हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में क्या क्या किया था ये पहले देख लेते, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग ने किसके बारे में जाना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जाना था, ठीक है, जस्ट रिकॉल कर लेते। उसके बाद हम लोग ने क्या जाना था, हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या जाना था, प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी जाना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या जाना था, इसमें हम लोग ने जनरेशन भी किया था, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट से, हर्ज एक्सपेरिमेंट से किया था, ठीक है। कौन सा सर्किट लिया था हम लोग ने, एलसी सर्किट लिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट भी बोला जाता है, ठीक है। ये किसके लिए, हम लोग ने ये जनरेशन के लिए यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने नंबर 4 में क्या पढ़ा था, बिहेवियर ऑफ एटमोसफियर टुवर्ड्स ईएम वेव्स, ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डील किया था, ठीक है। दैट मीन्स कैसा बिहेवियर रहेगा ईएम वेव्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर कितना का था, लेक्चर नंबर 5 का टॉपिक था, ठीक है। नाउ वी विल डील्स टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्पेस कम्युनिकेशन। अब स्पेस कम्युनिकेशन होता क्या है, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस, ठीक है। जो भी हम लोग सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे किसका, इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसके थ्रू से, स्पेस के थ्रू से, उसको क्या बोलेंगे, स्पेस कम्युनिकेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर जो रेडियो कम्युनिकेशन है, टेलीविज़न है, जितने हम लोगों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, अब हम लोगों का वेदर फोरकास्टिंग, ये सब जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो किसके थ्रू से, हेल्प से हो रहे हैं, ये हम लोगों को बोला जाता है स्पेस कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को सिंपली क्लियर हो गया कि जो भी हम लोग का रेडियो कम्युनिकेशन हो, या फिर सैटेलाइट का जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर ठीक है टेलीविज़न का जो भी हो रहा है, वो किसके हेल्प से हो रहा है, ये हम लोग का स्पेस कम्युनिकेशन के थ्रू से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है कि मोड्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के रहेंगे, ठीक है, दैट मीन्स मोड्स कितने टाइप्स के रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 1 में है हम लोगों का ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपागेशन, दैट मीन्स अब देखो ये हमेशा इट इज़ लाइक ऑब्वियसली स्पेस के थ्रू से ही हेल्प से ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर अब हम लोगों का अकॉर्डिंग टू, सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से सपोज मार्केट जाना है, ठीक है, विच इज़ अराउंड 1 किलोमीटर, तो ये यदि यहाँ से मुझे मार्केट जाना है तो इसका भी वेरियस मीन्स से जा सकता हूँ कि नहीं। वैसे ही हम लोग का जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, जो स्पेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, उसमें वे वेरियस टाइप का रहेगा। अब वो हम लोग डिपेंडिंग अपन, यहाँ पर हम लोग जो डिपेंड करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करके ये सब बनाया गया है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो भी हम लोग का फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड किया है, उस मोड के बेसिस पे हम लोग ने जो स्पेस कम्युनिकेशन है उसको सब डिवाइड किया है। तो नंबर 1 में आ रहा है ग्राउंड और स्पेस वेव प्रोपागेशन, नंबर 2 में आ जाएगा हम लोगों को स्पेस वेव और ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपागेशन, नंबर 3 में आ जाएगा हम लोगों का स्काई और आइनोस्फियर वेव प्रोपागेशन, एंड नंबर 4 में हम लोगों का आता है दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैं वॉक करके चला गया, साइकिल से चला गया, या फिर कार से चला गया, या फिर बाइक से चला गया, तो वेरियस मीन्स से, ठीक है कि नहीं, मेरा मार्केट जाने का भी। सिमिलरली ये हम लोगों का क्या हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोगों को मार्केट जाना,
और मार्केट जाने के लिए हम लोग का वेरियस मीन्स हो गया। सिमिलरली बेसिस ऑफ हम लोग का जो कम्युनिकेशन रहेगा स्पेस कम्युनिकेशन, उस पर डिपेंडिंग अपॉन जो भी हम लोग का फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये हम लोगों का क्या करेगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको भी डेप्थ में जान लेंगे। सो हम लोगों का फर्स्ट टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है हम लोगों का, ये हम लोगों का है ग्राउंड वेव। ठीक है, नंबर वन में हम लोग का ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव। ठीक है, तो ये वाला हम लोग डील कर रहे हैं। तो ग्राउंड वेव और स्पेस वेव प्रोपागेशन क्या होता है ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, दिस इज अवर ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये क्या हम लोग का रिसीविंग एंटीना। ठीक है, सो ये हम लोगों का किस रेंज में हम लोगों का जनरली यूज किया जाता है, ये हम लोग का दो ठो रेंज है। ठीक है, ये हम लोगों का होता है 500 kHz टू 1500 kHz। ठीक है, ये रेंज में भी यूज़ किया जाता है और ये रेंज को हम लोग बोला जाता है मीडियम वेव बैंड। ठीक है, नंबर ए, इसमें सब डिवाइड कर देंगे नंबर ए, और नंबर बी में हो जाएगा हम लोगों का 500 kHz टू 30 MHz, और ये भी हम लोगों का ग्राउंड वेव प्रोपागेशन के लिए ही हेल्प करता है। और ये स्पेसिफिक ये जो बैंड है, ठीक है, ये जो हम लोग का स्पेसिफिक जो बैंड है इसको बोला जाता है शॉर्ट वेव बैंड। एंड यही जो बैंड है वो हम लोगों का किसके लिए यूज हुआ जाता है, दिस इज यूज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड। ठीक है, और हम लोगों का ये वाला जो बैंड जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 500 kHz टू 30 MHz, ये हम लोगों का जो यूज़ किया जाता है फॉर किसके लिए यूज़ किया जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो यहाँ से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी रेंज मिल गया किसका, ग्राउंड वेव और सरफेस वेव प्रोपागेशन के लिए। ठीक है, ये दोनों जब भी हम लोग का फ्रीक्वेंसी रेंज में रहेगा तब उस समय जो हम लोगों का पॉसिबल रहेगा वो कौन सा कम्युनिकेशन रहेगा, दैट इज ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपागेशन। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मोड ऑफ वेव प्रोपागेशन, ऑब्वियसली वेव ही प्रोपागेट कर रहा है, इन विच द ग्राउंड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। क्यों ग्राउंड का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि ये हम लोगों का कौन सा है, ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपागेशन है। ठीक है, जो कि हम लोगों का ट्रांसमिसिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना में क्या करेगा, हम लोगों का जो भी मैसेज है, ठीक है, जो भी मैसेज है वो क्या करेगा, प्रोपागेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोपागेशन ऑफ सिग्नल वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। दैट मीन्स ये हम लोगों का ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये हम लोग का रिसीविंग एंटीना है, और हम लोगों का जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो किसका ज़्यादा रहेगा, हम लोगों का ग्राउंड का ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स ये वाला हम लोगों का सीधा ऐसे करके यहाँ पर हम लोगों का ऐसे करके जाके मीट कर गया, और कौन सा रेंज वाले का मीट होगा वो याद रख लेना, वो जब भी ये दोनों रेंज का रहेगा तब उस समय जो हम लोगों का प्रोपागेशन रहेगा, दैट इज ग्राउंड वेव और स्पेस वेव प्रोपागेशन, उस समय जो हम लोगों का मेजर इन्फ्लुएंस रहेगा जो सिग्नल का प्रोपागेट करने का, वो कैसा रहेगा, हम लोग का ग्राउंड के थ्रू से रहेगा। किस किस के बीच, ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना के बीच में। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। अब देखते हैं, व्हाइल प्रोगेसिंग अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ द ग्राउंड वेव्स इंड्यूसेस करेंट इन द ग्राउंड एंड बेंड्स राउंड द कॉर्नर। जैसे यहाँ से हम लोगों का ट्रांसमिटिंग एंटीना से हम लोगों का यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जो ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद ये भी एक टाइप का हम लोगों का करेंट प्रोड्यूस करेगा, और ताकि ये क्या करेगा, हम लोग का रिसीविंग एंटीना में क्या करना चाहिए, हम लोग का जाना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली जाना चाहिए।
तब यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद ये बेंड हो जाएगा, ये देखो यही चीज़ है, एंड बेंड्स राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। ये हम लोगों का ऐसे करके स्ट्राइक किया, ये हम लोगों का बेंड होके क्या हो गया, हम लोगों का रिसीविंग एंटीना में जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू इट द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड वेव इज ग्रेजुअली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ठीक है। सपोज ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, यहाँ से जो सिग्नल जाएगा यहाँ पर ऑब्वियसली ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों का पावर रहेगा, ठीक है, ग्राउंड वेव में उस समय क्या हो जाएगा हम लोगों का डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं। ऑब्वियसली एनर्जी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी हम लोग का पावर ऑफ द ग्राउंड वेव क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग स्टेशन। क्योंकि ये जैसे हम लोग का स्ट्राइक कर गया, स्ट्राइक करने के बाद ये हम लोग का सपोज रिसीविंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना ये जितना दूर रहेगा इसके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना हम लोगों का पावर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोगों का क्या हो जाएगा, ग्राउंड वेव हम लोगों का जो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब्ड कर देगा, करेगा कि नहीं। दैट मीन्स इसी के लिए हम लोग जितना हो सके नंबर ऑफ वहां पर एंटीनास भी ज्यादा इंक्रीज करता है। तो यहां से हम लोगों को क्लियर हो गया ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो भी हम लोगों का प्रोपागेशन होगा वो कैसे हो जाएगा हम लोगों का, वहां पर ग्राउंड से होना चाहिए, एंड वो जैसे ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा वो बेंड होगा, और बेंड होते समय हम लोगों का एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से पावर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गया, कब, जब हम लोग का जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, ग्राउंड वेव का। अभी और देखते हैं, जो भी हम लोग का एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन मतलब क्या होता है, हम लोग ने बोल दिया है लॉस इन द सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हम लोग ने बेसिक डेफिनेशन में पढ़ लिया था, ये क्या पढ़ा था हम लोग ने, एटीन्यूएशन पढ़ा था, ठीक है। तो द एटीन्यूएशन ऑफ द ग्राउंड वेव्स इंक्रीजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स जितना ज़्यादा हम लोग का फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों का एटीन्यूएशन भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वी कैन इंक्रीज इट। और इसी के लिए हम लोग का जो वहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंक्रीज तो हम लोग ने कर दिया फ्रीक्वेंसी, उस हिसाब से रैपिडली एटीन्यूएशन भी ऑब्वियसली लॉस भी रहेगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना लॉस हो जाएगा। उसी के लिए अब डिपेंड कैसे करेगा ये देखना है, फॉर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन द मैक्सिमम कवरेज रेंज डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसमिटिंग पावर नंबर वन एंड द फ्रीक्वेंसी। ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि जितना हम लोगों का ये ट्रांसमिटिंग पावर रहेगा, ट्रांसमिटिंग पावर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जब यहाँ से प्रोपागेशन होगा, स्ट्राइक करेगा अर्थ में स्ट्राइक करेगा, दैट मीन्स हम लोगों का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पावर ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बोला, जो भी हम लोगों का यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग का जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। अब क्यों, क्योंकि वहां पर जो ग्राउंड वेव है वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये पार्ट हो गया। दैट मीन्स इसीलिए हम लोगों का जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हम लोगों का नंबर वन में ट्रांसमिटिंग पावर में डिपेंड करेगा। ट्रांसमिटिंग पावर किससे मिलेगा, एंटीना से ही मिलेगा, एंटीना से ही मिलेगा। और नंबर टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो भी हम लोगों का फ्रीक्वेंसी रहेगा उसी पे तो डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का जो मैक्सिमम कवरेज है वो डिपेंड करेगा किस किस के ऊपर, नंबर वन में ट्रांसमिटिंग पावर एंड नंबर टू में फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वेव, ठीक है। वही चीज़ को मैंने यहाँ पर ये वाला देखो 532 1700, और इसके लिए मैंने क्या बोला था, ये हम लोगों का ये वाला हम लोगों का मीडियम बैंड वेव बैंड बोल के बोला था, राइट, ये हम लोग ने पहले ही बोल दिया था मीडियम वेव बैंड बोल के। अब हम लोग यहाँ पर कंक्लूडिंग फैक्टर में आ रहे हैं, इट इज नॉट सुइटेड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स जित हाई फ्रीक्वेंसी
हाई फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों का रेंज बोला गया था 530 टू 1700 और एक और रेंज बोला था मैंने, ठीक है, वो कितना था हम लोग का 500 किलो हर्ज टू ये हम लोग का 30 मेगा हर्ज, ये दो रेंज में ही हम लोगों का काम कर पाएगा। कौन काम कर पाएगा हम लोगों का? ग्राउंड वेव, ठीक है। लेकिन इफ़ इससे भी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी हो तब, जैसे मैं यहाँ से मार्केट जा रहा हूँ, एकदम पास में था, ठीक है, पास में था मार्केट, ये हम लोग का मार्केट, ये मार्केट, मैं यहाँ से मार्केट जा पा रहा हूँ इजीली। लेकिन इफ़ मैं यहाँ से सपोज आई एम इन डिब्रूगढ़, अब डिब्रूगढ़ से मैं सपोज सिक्किम जा रहा हूँ, ठीक है, सिक्किम जा रहा हूँ, अब इस समय जो मेरा रेंज है, रेंज क्या हो गया हम लोगों का? ज़्यादा, रेंज मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस हाई हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है, लार्ज हो गया। तब इस समय क्या मैं पैदल जाऊँगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा मोड लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं? सिमिलरली हम लोगों का ये वाला वे भी जो स्पेस कम्युनिकेशन है, स्पेस कम्युनिकेशन, उस पे भी हम लोगों को क्या चाहिए? दूसरा टाइप्स का चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ तो विद इन 1 किलोमीटर तो मैं आराम से जा पा रहा हूँ कि मार्केट। लेकिन जब मैं डिब्रूगढ़ से मैं जब सिक्किम जा रहा हूँ, ठीक है, सिक्किम जा रहा हूँ, तब इस समय मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। तब ये मैं पैदल नहीं जा सकता, ठीक है, पैदल जाने के लिए तो मुझे एकदम हालत क्या हो जाएगा? बहुत एनर्जी भी वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर इधर ट्रेन से चला जाऊँ या फिर एरोप्लेन से चला जाऊँ तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा हम लोगों का? टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, टाइम भी कंज्यूम होगा और एनर्जी भी क्या हो जाएगा हम लोग का? सेव होगा, होगा कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो दूसरा मोड रहेगा, ठीक है, ये कौन सा रहेगा हम लोग का? स्काई वेव कम्युनिकेशन रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को एक और पॉइंट लिखा देता हूँ जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर टीवी एंड एफएम सिग्नल, और ये जो सिग्नल रहेगा ये कैसा रहेगा? सिग्नल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस समय द ग्राउंड वेव प्रोपागेशन इज नॉट यूज्ड, ये याद रख लेना। टीवी और जो भी हम लोग का एफएम सिग्नल के लिए है वो क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है वो कैसा है हम लोगों का? एकदम हाई फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ग्राउंड वेव प्रोपागेशन क्या करते हम लोग? यूज नहीं करते। व्हाई? इसमें भी लिख दो, इट इज बिकॉज द एटीन्यूएशन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एटीन्यूएशन, ये पॉइंट लिख देना, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इट इज बिकॉज द एटीन्यूएशन ऑफ सरफेस वेव इंक्रीजेस, ऑब्वियसली एटीन्यूएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हम लोगों का? इट इज बिकॉज द एटीन्यूएशन ऑफ द सरफेस वेव इंक्रीजेस रैपिडली विथ द, किससे होता है हम लोगों का? फ्रीक्वेंसी, विथ द फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि जो भी हम लोगों का एटीन्यूएशन मतलब क्या होता है? लॉस रहता है सिग्नल स्ट्रेंथ में, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ज़्यादा लॉस होगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? जो सिग्नल है वो प्रॉपर रिसीव नहीं होगा। यहाँ तक सिर्फ लिखना है, ये मैं जस्ट बोल रहा हूँ, सिग्नल प्रॉपर रिसीव नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, नहीं होगा ही लिख दिया, ठीक है। तो ये इस पर तुम लोग कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग का जो भी टीवी एंड एफएम के लिए ग्राउंड वेव प्रोपागेशन यूज नहीं करता है। अब हम लोग का सेकेंड टाइप्स हो है, वो कैसा है हम लोगों का? स्पेस वेव प्रोपागेशन,
सॉरी स्काई वेव प्रोपागेशन। अब हम लोग को देखना है स्काई वेव प्रोपागेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज अ मोड ऑफ वेव प्रोपागेशन इन विच द रेडियो वेव्स इमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग, ये जैसे हम लोगों का एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये दूसरा हम लोगों का रिसीविंग एंटीना है, ठीक है, रिसीविंग एंटीना है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पर वही है मैसेज ही देना है, लेकिन जैसे हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है, और इसके लिए हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है ये पहले लिख लेते हैं। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों का 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 40 मेगाहर्ट्ज़, हम लोगों का जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वो हम लोगों का किसके लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ यूज फॉर स्पेस नहीं स्काई वेव प्रोपागेशन। स्पेस के लिए हम लोग का मोर देन 40 मेगाहर्ज रहेगा, ठीक है, वो थर्ड टाइप का रहेगा, वो पहले देखेंगे, लेकिन पहले नंबर सेकेंड का कर लेते हैं, दैट इज स्काई वेव प्रोपागेशन। रेंज कितना रहेगा हम लोग का 30 मेगाहर्ज टू जो भी हम लोग का 40 मेगाहर्ज तक का रेंज, ठीक है, वो हम लोगों का किसके लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज यूज फॉर स्काई वेव प्रोपागेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम टाइप का है, ये फ्रीक्वेंसी कितना है हम लोग का, सपोज 30 मेगाहर्ट्ज़ के करीबन से थोड़ा ज़्यादा है, तब उस समय जो हम लोगों का प्रोपागेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिस इज अवर ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये हम लोगों का हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है, ये हम लोग का हो गया ट्रांसमिटर, ये हम लोगों का सपोज रिसीविंग एंटीना 1, रिसीविंग एंटीना 2, रिसीविंग एंटीना 3, रिसीविंग एंटीना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज तो बढ़ा दिया, अभी इधर से ऐसे करके प्रोपागेट नहीं होगा क्योंकि ये तो ग्राउंड का था, अब ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। इस समय क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये जो फ्रीक्वेंसी ऊपर में जाने के बाद आइनोस्फियर, ठीक है, ये हम लोगों को पता है अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ एटमोस्फियर ये हम लोगों का किस किस पोर्शन में रहता है, हम लोगों का नंबर 1 में रहता है, इसको डेप में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर, TROPOSPHERE, और ट्रोपोस्फियर का रेंज कितना रहेगा हम लोगों का, एक्सटेंड ये वाला अलग से लिख लेना, एक्सटेंड अप टू 12 किलोमीटर, जो भी हम लोग का ट्रोपोस्फियर का रेंज रहेगा वो 12 किलोमीटर तक रहेगा, ठीक है। और नंबर सेकेंड में जो आता है वो स्ट्रेटोस्फियर, STRATOSPHE, और स्ट्रेटोस्फियर कितना तक एक्सटेंड करेगा, वो हम लोगों का एक्सटेंड करेगा 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, ठीक है, ये हम लोग का 50 किलोमीटर, ये हम लोगों का रेंज में क्या रहता है, हम लोगों का स्ट्रेटोस्फियर भी रहता है। और यहीं पर एक और पार्ट रहेगा, दैट इज ओजोन लेयर, जो कि हम लोगों का क्या करेगा, अल्ट्रा वायलेट को, जितना भी हम लोग का अल्ट्रा वायलेट है उससे क्या करेगा, हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से क्या करेगा हम लोगों का, प्रोटेक्ट करेगा, कौन करेगा, ओजोन लेयर। और वो किस उस पे है, हम लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर में ही है, जो कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के अप्रोक्स में है, ठीक है। अब हम लोगों का नंबर थर्ड में आता है वो कौन सा होता है, मेसोस्फियर, ठीक है। इसका जो रेंज है वो कितना होता है हम लोग का, 50 किलोमीटर टू, मैंने ये इसलिए डील किया क्योंकि ये जो आइनोस्फियर जो टर्म आ रहा है उसको भी डेप्थ में जान लेते हैं, ठीक है, ये आइनोस्फियर होता कहाँ से क्या क्या है, 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मियोस्फियर बोलेंगे। और जो नंबर फोर्थ पाथ है इसको बोला जाता है आइनोस्फियर, ये हम लोगों का कितना रहेगा, दिस इज फ्रॉम कितना रहेगा हम लोगों का, 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, दैट मीन्स जो हम लोगों का आइनोस्फियर है वो हम लोगों का 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में ही रहेगा। और ये हम लोगों का जो है, दिस इज अवर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर, जो कि हम लोगों का आउटर मोस्ट
पार्ट में है, ठीक है। सो अब हम लोग इसके बारे में अब जानेंगे, ठीक है। ये पार्ट तुम लोग अलग से नोट भी कर लेना, ठीक है, अर्थ एटमोस्फेयर किस किस पे रहेगा। अब हम लोग ने यहाँ पर जो जाना था, ठीक है, यहाँ पर जो जाना था इस स्काई वेव में हम लोग का जो प्रोपागेशन हो रहा था, ठीक है, वो 1700 to 440 मेगाहर्ज, ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये जो रेंज होता है, जैसे मैंने तुम लोगों को मीडियम रेंज बोला था कि नहीं, तो यहाँ पर ये मैं जो बोला था, यहाँ पर मैंने 30 जो लिखा था मेगाहर्ज टू, ये हम लोगों का 40 मेगाहर्ज, ठीक है, ये हम लोगों का दिस इज़ द टॉप मोस्ट। लेकिन जो मिनिमम रेंज से जो स्टार्ट होगा वो हो जाएगा 1700 किलोहर्ज टू 40 मेगाहर्ज। और ये जो हम लोगों का यूज़ किया जाता है वो किस में यूज़ किया जाता है, दैट इज स्काई वेव प्रोपागेशन। और ये वाला जो आइनोस्फीयर का ये वाला जो पार्ट है, ये भी हम लोगों का जो पार्ट है वो डिवाइडेड रहता है, ये जो पार्ट है वो डिवाइडेड रहता है, वो डी ई एफ वन एफ टू लेयर, ठीक है, ये हम लोग इसको बोला जाता है लेयर, ठीक है, डी ई एफ वन एफ टू बोल के लेयर में क्या होता है हम लोगों को डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग उतना डेप्थ में तो जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों को उतना डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोगों का लेवल में चाहिए उतना तक हम लोग जान लें। लेकिन तुम लोग ये जान लेना जो यहाँ पर स्काई वेव में होता है वो हम लोग का डी ई एफ वन एफ टू लेयर होता है, ठीक है, डी ई एफ वन एफ टू लेयर होता है, ठीक है। तो इतना तक तुम लोग जान लो। और ड्यूरिंग द नाइट वहाँ पर तुम लोग लिख सकता है ई लेयर डिसअपीयर, ठीक है, ई लेयर होता है, ई लेयर तुम लोग लिख सकता है ड्यूरिंग नाइट क्या हो जाता है हम लोग डिसअपीयर हो सकता है। और इस समय जो रहेगा वो हम लोगों का एंड इस समय जो हम लोगों का रहेगा वो हम लोगों का जो मेन यूज होगा वो एफ लेयर रहेगा, ठीक है, एफ लेयर रहेगा जो कि सबसे ज़्यादा यूजेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यही हम लोगों का कौन सा रहेगा, हाई वेव फ्रीक्वेंसी में यूज़ किया जाता है। और ये हम लोगों का नाइट टाइम में, बस ये याद रख लेना, कभी कभी बाई चांस, कभी तो जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन ई लेयर है वो हम लोगों का नाइट टाइम में क्या हो जाता है हम लोगों का वहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। और इस समय जो हम लोगों को जो रहेगा वो दो लेयर के वजह से एफ वन एफ टू में मिक्स हो जाता है, और जो एफ लेयर है वही हेल्प करेगा हम लोगों को किसके लिए, प्रोपागेशन के लिए, ठीक है। तो और हम लोगों को ये चीज़ याद रख लेना, ये ब्रॉडकास्ट जितने सर्विस है वो हम लोगों का किस से रहेगा, दैट इज डीलिंग विद द कौन सा, स्काई वेव प्रोपागेशन। तो यहाँ तक हम लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, ये हम लोगों का कौन सा हो गया, दिस इज अवर सेकेंड का, ठीक है। इसमें भी थोड़ा और डेप्थ में जानेंगे। अब देखो जैसे जैसे हम लोगों का, ठीक है, ये हम लोगों का ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये हम लोगों का रिसीविंग एंटीना और ये हम लोगों का ऐसे करके जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जितना हाइट इंक्रीज होगा, ठीक है, हाइट इंक्रीजेस, किसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, द डेंसिटी, यहाँ पर यहीं से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, एट ग्रेटर हाइट द सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी इज हाई। एंड जितना हम लोगों का हाइट इंक्रीज हो रहा है अर्थ के कंपैरिजन, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो यहाँ पर है, दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, अब हाइट बढ़ रहा है तो यहाँ पर, क्योंकि वेव तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीव हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस समय क्या होगा, इस समय जो हम लोगों का डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमोस्फियर क्या हो जाएगा हम लोगों का, इस लो, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट क्या हो रहा है हम लोगों का, इंक्रीज हो रहा है, और हाइट इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी ऑफ जो भी अर्थ का एटमोस्फियर का रहेगा वो क्या हो जाएगा, घटते 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 जाएगा। लेकिन सोलर रेडिएशन,
सोलर रेडिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल वे से जानोगे तो इसको और सिंपल में बना दे रहा हूँ। ये हम लोग का सपोज दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने ऐसे करके, ये हम लोग का सन। अब अर्थ का अर्थ है, सन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स हाइट अर्थ का इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो रहा है हम लोगों का, डिक्रीजेस, डिक्रीज हो गया। लेकिन इसका जो इंपैक्ट है सोलर रेडिएशन का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इज हाई। अब सोलर रेडिएशन बढ़ रहा है, दैट मींस हम लोगों को वही यहां पर पॉइंट एक्सप्लेन किया है, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विथ हाइट। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, हम लोगों का जो सन का रेडिएशन का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और हम लोगों का जो कौन सा है, अर्थ का तो घट गया, सन का बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा, देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स टू बी आयनाइज, इस वजह से हम लोग का बहुत कम मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, आयनाइज के लिए हो जाएगा, ठीक है। और इसके वजह से हम लोगों का एक टर्म मिलता है, दैट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और ये टर्म तुम लोग नोट करके लिख देना, व्हाट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स, ऑफ द रेडियो वेव्स विच ऑन बींग रेडिएटेड टुवर्ड्स द आइनोस्फियर, टुवर्ड्स द आइनोस्फियर एट सम एंगल रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, ये क्या होता है, इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स जितना हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, किसका, रेडियो वेव्स का, ताकि जो आइनोस्फीयर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रीवियस डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये हम लोगों का यहाँ पर लगने के बाद, ठीक है, लगने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और ये जो हम लोगों का यहाँ पर सटन एक फ्रीक्वेंसी है, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है, वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, जो कि रिफ्लेक्ट बैक करने में वहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों का हेल्प हो गया। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी है जो हाइएस्ट पहुँचा इसका, रेडियो वेव्स का, ऑन बींग रेडिएटेड टू बाई आइनोस्फेयर में लग गया था, ठीक है। और इसी समय हम लोगों का जो अर्थ में लगने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद बैक आ गया, किस वजह से, ये हम लोगों का वो पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये पार्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसके वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा, बैक आ जाएगा, आइनोस्फीयर में बैक हो जाएगा, अर्थ में हम लोगों का बैक आ गया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज पेनिट्रेट द आइनोस्फीयर एंड एस्केप, यदि हम लोगों का 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो, इस पे मैं इजेस करके बोल दे रहा हूँ, यदि हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी है 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो, सपोज लार्ज हो, तब इस समय ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, ये पेनिट्रेट कर देगा, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। पेनिट्रेट मतलब क्या होता है, पास हो जाएगा। सो ये फ्रीक्वेंसी हम लोग का इसलिए क्या होता है, अपर लिमिट हो गया। सो ये पार्ट से हम लोगों को क्लियर हो गया कि जो भी हम लोगों का फ्रीक्वेंसी रहेगा वो 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा, पेनिट्रेट एटमॉस्फेयर का हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग का रेंज तो मैंने बोल ही दिया, ये सब रेंज तो मैंने बोल दिया, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोगों का स्पेस वेव कम्युनिकेशन जो है, प्रोपागेशन जो है, वो हम लोग किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए भी पॉसिबल है, और कौन सा है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी पॉसिबल
है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेडिंग से स्टार्ट करेंगे।